साहब बहुत ठंड है आज, मस्त हवा चल रही है। अभी आज सुबह बर्फ गिरी है यहाँ पे हैमबर्ग में बहुत बर्फ गिरी आज सुबह। और अभी मैं जस्ट ऑफिस से निकला हूँ घर, और आज थोड़ा स्पेशल कुछ करने वाला हूँ मैं, जो बहुत दिन से मैं ट्राई कर रहा था करने का, वो ये है कि मैंने बहुत ज़्यादा हवा आ रही है, उनको हवा की आवाज़ आ रही नहीं भाई, बट बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। इन निमिषा को मैं एक गेट पे लेके जाऊंगा, एक बहुत अच्छा पिज्जा प्लेस है यहाँ पे जो बहुत अच्छा पिज्जा देता है, वो इटालियन प्लेस है। और निमिषा काफ़ी टाइम से बोल भी रही थी कि उसे पिज्जा खाने का मन है, और खासकर उसी जगह से, तो आज का प्लान है वहाँ पे जाने का, बट हमें पहले रिजर्व कराना पड़ेगा वहाँ पे। अभी मैं ट्रेन ले रहा हूँ, आज बहुत ज़्यादा ठंड है भाई, आज -2 degrees है, फील्स लाइक -5 degrees है, मतलब हाथ ऐसे मैंने ग्लव्स पहने फिर भी हाथ ऐसे जम रहे हैं। अभी नहीं आई, अभी ट्रेन को आने में 2-3 minutes हैं, सब लोग वेट कर रहे हैं बाहर खड़े होकर। स्टेशन से नीचे उतर रहा हूँ और बस लेके घर जाना होता है, और बस में इतनी भीड़ थी कि अंदर जाने की जगह नहीं थी, और बस घर चली गई अपने, दूसरी बस आई है, इसमें चढ़ने की जगह है यार। ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि दरवाजे दोनों तरफ होते हैं ट्रेन के, तो लोगों को लगा इस तरफ दरवाजे खुल रहे थे, अगले स्टॉप में भी दरवाजा उधर ही खुलेगा, सब लोग उधर मुकर खड़े हो गए, और जब ट्रेन रुकी तो पीछे वाला दरवाजा खुल गया तो भगदड़ मच गई लोगों में। ओ भाई मज़ा आ गया बिल्डिंग में, उसके इतनी गर्माहट, बाहर इतनी ठंड हो रही है, मेरा पूरा मुँह ये वाला ऐसे नम हो गया है, हिल भी नहीं रहा, पता नहीं चल रहा। भाई बहुत ठंडा बाहर, क्या बता तेरे, कुछ नहीं पता तेरे को, भाई मैं नहाई हूँ अभी, मेरे को पता है, तो टाइम में नहाने गए, हटो मैं इसी वक्त नहाती हूँ, मेरा गेट बंद कर रहा, किसका गेट, यहाँ का बहुत ठंड लग रही है बालकनी का, तो किसने कहा वहाँ जाने के लिए, अब तक खुला है, खुला कब बनाया जा रहा है भाई। आज सोच रहा हूँ कि आपको मैं लेके चलूँ पिज्जा प्लेस वादियों में, इसके बेकार है करना भाई, पिज्जा प्लेस कभी अच्छा नहीं ले जाता, बेल पासो जहाँ आप बोल रहे थे ले जाने के लिए, मैं सोचा आज फ्राइडे चलते हैं, अभी मैं रेडी हूँ नाली में अभी पहले एक शर्त पे ले जाऊंगा, एक शर्त पे ले जाऊंगा, अभी जिम चल मेरे साथ, दिमाग खराब कर रहा है, अभी लोग हंसेंगे तेरे पे, ये क्या देख रही है तू बिना मतलब का, मत कर भाई मत कर, मैं पढ़ रही थी ये देख, ये किताबें दिखाना मेरी, पढ़ रही थी मैं, उसमें लिखा है कि आज मैं यहाँ जाऊंगी आ जाऊंगी। अच्छा बता, जल्दी बता, चलना है बुक कराना पड़ेगा, हाँ चलना, क्यों नहीं चलना, क्या तकलीफ है मुझे, कैंसिल है तेरा प्रोग्राम, चल रहा है तो चल, नहीं तो निकल, मेरे को जाने दे फिर, जा फिर कहाँ, जिम मेरे को तो ले नहीं रहा वीडियो में, नहीं ले तो आजा वीडियो में, मैं सही में बोल कि मैं जिम चलूं, यहां रख यहां, कि मैं जिम चलूं और फिर मैं तेरे साथ पिज्जा खाने चलूं, हां एक गेम खेल ले, किस चीज की, सुन दे बेटा, कैंसिल है, क्यों नहीं खेल पा रहा, चला गेम खेल, जीत गया तो ले जा, जाने जाना है, मैं तो कह रही हूं अगर तू जीता तो कह सिर्फ जिम चल, पिज्जा कैंसिल, मेरा ही बना भाई, चल आजा, स्टोन पेपर सिजर, स्टोन पेपर सिजर, तू देख चीटिंग कर रहा है, चीटिंग होती है, कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है सब, चला स्टोन पेपर सिजर, चल स्टोन पेपर सिजर
चल बेटा तेज हट रही है तू, सब दिख रहा है कैमरा पे। चल स्टोन पेपर सीजर भाई तो सीख गया। चल मेरे को पहले चलता स्टोन पेपर सीजर। अरे यार ये दो नेक्स्ट टेक टमाटो भाई तुम्हारे एक और टेक लेना पड़ेगा। क्या हो गया? हाँ कॉल कर बेल पास हो। मैं बात करूं? आपको नहीं आता? मैं बोलूंगी इश मोस्ट आइंटिश रिजर्वियरन। हाँ चल कर। है चल अभी ये जर्मन सीख रही है, अब इसकी जर्मन स्किल्स देखो। सीख क्या रही भाई, ऐसे क्यों कह रहा है? चल ना तो सीख ही तो रही है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा बोल दिया करने लग जाएगी तू। बोलना है इश मोस्ट आइंटिश बीच में आ जाऊंगा। Hallo, guten Abend. Ich möchte einen Tisch reservieren für zwei Personen. Für wann? Für wann haben Sie? Heute? Nee, heute kann ich schon. Heute kann ich. Dann morgen? Morgen muss ich gucken. Okay. Danke. आज हम पिज्जा नहीं खा सकते, तो यहाँ पर खा लेते हैं चल के। पागल हो रहे हो क्या? नहीं और भी तो जगह है, बहुत अच्छी है। अरे तो और भी तो जगह है। नहीं नहीं भाई, वही पिज्जा बेस्ट है, कोई और चेक करो। बढ़िया यार, एक और है इटालियन प्लेस जिसका लोग बोलते हैं, तो फिर इनको कर देंगे। दिखाओ पहले बताओ। 040 हेलो हेलो गुड मॉर्निंग, हैवन सी टिश फॉर हॉइटर। ओके आलस को डंक। यहाँ भी नहीं है, सभी पिज्जा खा रहे हैं। 809721 हेलो हेलो गुड नाबिन, हैवन सी एनी टिश फॉर हॉइटर। फिर स्वाई पर्सन हैवन हैवन सी नेक्स्ट। ओके ओके डंक चाओ। यहाँ भी नहीं है, कैसी जगह पे रहता है रे तू? अरे पागल है यहाँ पे लोग, दिमाग खराब करते हैं। तो हम पिज्जा नहीं खा रहे क्योंकि अब जबरदस्ती करेंगे अगर कुछ खाने जाएंगे पिज्जा किसी और रेस्टोरेंट में जो हमने नहीं खाया, और अगर वहाँ खराब निकला तो हमारा मूड जाएगा खराब। मेरा तो बहुत भाई, मेरे को रोना आ जाता है ऐसी बातों पे, क्योंकि अभी हमारा पिज्जा खाने का बहुत मन कर रहा था। तो अभी हम सोच रहे हैं कि हम डोसा खाने जाए, जो हम बहुत दिनों से खाने की सोच रहे थे। पिज्जा पिज्जा हम नेक्स्ट वीक खा लेंगे, नेक्स्ट वीकेंड पे खा लेंगे, पहले से बुक करा लेंगे एक हफ्ता पहले ही। कर बुक इस दिन में, इस इतने बजे आऊंगा चेक कर, आधे घंटे में मिलते हैं तैयार होके। तो नहीं जा रहा जिम फिर? देखता हूँ, बिहाइंड द कैमरा बात करता हूँ। रुको बाबा। चले जी रेडी हो गए हम लोग। वैसे हमने 9 बजे की रिजर्वेशन कराई थी बट लेकिन अभी 9:15 हो गए हैं तो चलते हैं। कोई बात नहीं, वैसे खाली रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। फील्स लाइक -5 कुछ है अभी। अच्छा जी, जो हवा चलती है ना ये बड़ी गंदी है, मतलब बर्फ गिर जाती है तो ठंड इतनी लगती है, बट जो हवा चलती है तो पिछली बार भी इतना सुंदर, इतना क्या बोलूं मैं आपको। पता है एक कहानी बताता हूँ, मैं जिम जा रहा था और जिम के रास्ते में जाते हुए मेरा एक ग्लव गिर गया, बहुत अच्छे ग्लव्स थे, लगा लिया बहुत सुंदर थे सही में, और एक ग्लव गिर गया था। मैं जिम में जाके देखा तो एक ग्लव नहीं था, तो मुझे लगा अरे चलो गायब हो गया, खो गया ये। उसी रास्ते से मैं वापस जा रहा था, वहाँ पड़ा हुआ, मुझे यहाँ पे ये चीज़ अच्छी और मुझे लग रहा था कि वहीं होगा क्योंकि उससे पहले था उसके बाद नहीं था। तो
यहाँ पे लोग उठाते ही नहीं है सामान। हाँ यहाँ पे लोग उठाते नहीं, अगर कुछ गिर जाए ना तो पता है वो एप्पल की जो वो नहीं थी, अरे बच गया हेडसेट नहीं, वो जो ईयर प्लग्स हैं एप्पल के जो पहले आते थे हमारे फोन के साथ भाई, वो टंगे तार वाले। हाँ तार वाले वो टंगे हुए ऐसी ट्रेन में। हाँ यार लोग थोड़े से ज्यादा शरीफ हैं, छोड़ देते हैं सब। दिल्ली मेट्रो में एक मिनट छोड़ के जाओ फरार है चीज, छोड़ने की जरूरत नहीं है वहाँ सही। अभी हम लोग यहाँ से पैदल पैदल जा रहे हैं, पिछली बार जब हम आए थे तब भी यहाँ पे बहुत ठंड लग रही थी क्योंकि इस एरिया में लगती ही है ठंड। यहाँ पे पानी वानी है क्या? यहाँ पानी वानी है आसपास शायद इसीलिए। अभी हम लोग जिस रेस्टोरेंट में जा रहे हैं उसका नाम है महाडोसा, और वो इकलौता रेस्टोरेंट बचा है साउथ इंडियन शायद यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक और था सरवना भवन। सरवना भवन तो हर जगह है, इंडिया में भी है, वो बंद हो गया यहाँ पे पता नहीं क्यों। सरवना भवन तब बंद हुआ था जब मैं जस्ट आई थी। हाँ। मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मैं वहाँ जाऊँ। नहीं खाया था वहाँ पे? नहीं नहीं मेरे आते ही बंद हो गया था बेचारा। ओह यही एक बचा है और यहाँ पे अच्छा मिलता है, मतलब आपकी क्रेविंग मिट जाएगी, बट ऑब्वियसली वो जो इंडियन वाला टेस्ट है ऑथेंटिक वो तो खैर नहीं मिलता क्योंकि यहाँ पे सांभर इतना ऐसे तीखा भी खानी होता, बट डोसा काफ़ी अच्छा होता है, मसाला भी अच्छा होता है। अभी दिखाते हैं आपको चलिए। बंद क्यों लग रहा है? नहीं नहीं बंद नहीं है, अंदर लोग बैठे हैं बहुत सारे, बच गए हम। हेलो डू यू हैव अ टेबल फॉर टू? मसाला डोसा फैमिली डोसा क्या होता है तुम्हें? फैमिली डोसा में बहुत बड़ा डोसा आएगा, 30 यूरो का है, 30 यूरो का वो पूरी टेबल इतना बड़ा आएगा। मैं ले रहा हूँ मसाला डोसा, आप कौन सा ले रहे हो? ये पनीर की स्पेलिंग सही लिखी है वैसे। We'll have one पनीर मसाला डोसा and one मसाला डोसा। क्या क्या चाहिए? नहीं सो या दैट्स ऑल। वन मोर क्वेश्चन, इज इट लाइक इन हाउस और इज इट लाइक फ्रॉम इंडिया कसारा? बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच वी गेट ओनली इन इंडिया। नो ओके ओके देन ओनली Yeah, just the dosas, yeah, okay, for now. Not for now. Okay. Yeah, thank you. Okay. ज़्यादा बड़ा डोसा नहीं है? नहीं भाई। इतना तो सांबर दिया बता। हाँ, यहाँ पे ये बड़ी दिक्कत है, सांबर बड़ा कम देते हैं। और इनसे ज़्यादा पोर्शन लो तो इनको पैसा चाहिए। कैसा है? अच्छा। जैसे धीरे धीरे हम खा रहे हैं बड़ा मजा आ रहा है। जैसे हमने जितनी बार पहले खाया ना तब मुझे इतना मजा नहीं आया, या तो इनका बंदा बदला है, इनका शेफ बदला है। हो सकता है, मतलब इनकी चटनियाँ तो सेम है ये वाली जो तिरंगा बना के देते हैं जो, बट इस बार सांभर सच में अच्छा है। पता है जब मेहरौली में लाइट जाती थी ना, मेहरौली में तो बहुत लाइट जाती थी गर्मियों में, तो वो मोमबत्ती जला के ऐसे करते थे। लग गया ना हाथ, वहाँ पर चले हाथ नहीं लगता, ये देख ऊपर रखना ही, ऊपर क्यों रखूँ उसके बीच में, पागल है। मैंने ना नीचे काफी ऐसे रूरल सा बना रखा है, जैसे वैसे पुराने घर नहीं होते इंडिया में वैसा इन्होंने यहाँ पे बना रखा है सारा, मतलब ये देखो जैसे पूरा दीवारें भी ऐसी करी हुई हैं, और अंदर भी यहाँ पे वॉशरूम पे भी इन्होंने ऐसे किवाड़ नहीं होती जैसे गांव में वैसे लगा रखा है। भाई हवा ने मेरे को धक्का दे दिया अभी। एंड ओरिनो तो लोग निकल गए फिर हम लोग महाडोसा से, और बहुत अच्छा था, जो भी हैमबर्ग में आगे ट्राई कर सकता है खाने के लिए। हम यहाँ पे आते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार आए हैं। हाँ आते रहते हैं, बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। लास्ट में ना कसाटा भी थी तो मैंने उनसे पूछा कसाटा कौन सी वाली है, तो पता चला वो दूसरी कसाटा थी, वो मदरडेरी वाली नहीं थी, तो वो फिर हमने ड्रॉप कर दिया आइडिया। और या तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, पिज्ज़ा तो नहीं मिला, डोसा खा लिया बट अच्छा था काफ़ी। तो हम लोग अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए सी यू। नेक्स्ट वीडियो संडे को, एवरी संडे हम लोग वीडियो डालते हैं, तो हर संडे आप वेट करो हमारी वीडियो का। हो सकता है हम वीडियो की कंसिस्टेंसी बढ़ाएं, हम शायद हफ्ते में दो बार भी डालें, बट हमें थोड़ा टाइम कम मिलता है तो इसलिए हम डाल नहीं पाते। बट एनीवे सी यू लेटर, बाय बाय।